पटरी पर सरपट दौड़ती रेलगाड़ी के विपरीत अपनी लड़खड़ाई जिंदगी को किसी तरह संभालती इस जुझारू महिला का नाम है सविता हरी। लड़का अभी छोटा ही था कि सविता के पति मझधार में छोड़कर कहीं चले गए। अकेली रह गई सविता अपनी माँ के पास लौट आई और यहाँ रेलवे पटरी के पास इस बस्ती में ये कच्चा झोपड़ा किसी तरह बना लिया। अपने और परिवार के भरण पोषण के लिए उसने बांस की टोकरियां बनाकर आसपास के बाजार में उन्हें बेचा। आगे की सारी उम्मीदें बेटे से थीं, इसलिए उसकी पढ़ाई को हर हाल में जारी रखा। सविता भूमिहीन थी। सरकार ने भूमिहीन हितग्राहियों के लिए भूमि आवंटित की और कॉलोनी के रूप में आवासों का निर्माण हुआ, तो इनमें एक आवास सविता का भी था।